गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? बच्चों कैसे हो आप सब? ओके बच्चों, आप सबकी एग्ज़ाम अच्छे से गई होगी, आपने अच्छे से सबने पेपर लिखे होंगे। ओके, सो अभी आपको पेपर स्कूल में सबमिट करवाने हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों अभी आज हम शुरू करते हैं आपका सेकेंड सेम का, दिवाली के बाद के अभी जो चैप्टर 11, जिसका नाम है क्लास डिस्कशन। बच्चों वो पोयम है। ओके बच्चों, तो हम शुरू करते हैं, तो आप वो पोयम अच्छे से पढ़ना और वो उसके जो न्यू वर्ड्स है वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखने के। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 क्लास डिस्कशन पोयम। तो बच्चों अब शुरू करते हैं यूनिट 6 चैप्टर 11, जिसका नाम है क्लास डिस्कशन। तो बच्चों क्लास डिस्कशन उसका मतलब क्या है? तो क्लास डिस्कशन मतलब क्लास में जो डिस्कस हो रहा है उसको बोलते हैं क्लास डिस्कशन, राइट? तो यहाँ पे लिखा है बच्चों रिसाइट एंड डिस्कशन। तो यहाँ पे है रिसाइट। रिसाइट का मतलब क्या है? रिसाइट एंड डिस्कस, तो गाओ और डिस्कस करो, राइट? तो देखते हैं पोयम। यहाँ पे आपको क्लास में बच्चे बैठे हुए दिख रहे होंगे, ये एक क्लास आपको दिख रहा है, राइट स्टूडेंट्स? तो आज हम ये क्लास डिस्कशन की स्टोरी शुरू करते हैं, तो आप उसमें अच्छे से वो ध्यान देके पढ़ना। तो यहाँ पे है इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड अ वर्ड। यहाँ पे एक जैन नाम की लड़की है, लड़की का नाम क्या है? जैन। तो वो एक क्लास में डिस्कशन हो रही है, राइट बच्चों? तो जो क्लास में डिस्कशन हो रही है वहाँ पे ये जो जैन नाम की लड़की है वो हार्डली सेड अ वर्ड। हार्डली, हार्डली का मतलब है वो बहुत मुश्किल से एक वर्ड बोलती है, मतलब कहती है। तो सब क्लास में डिस्कस कर रहे होते हैं, सब बच्चे टीचर्स के साथ, और बच्चे भी आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो जैन नाम की लड़की है वो कुछ बोलती नहीं है। हार्डली, हार्डली का मतलब यहाँ पे बच्चों मुश्किल, वो बहुत ही रेयर जो बोलते हैं, कम बोलती है वो। वी ऑल टायर्ड अवर ऑप्शंस बट फ्रॉम यू वी बैरली हार्ड। वी ऑल एड, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? एड, एड का मतलब है यहाँ पे कि जो चीज़ आपके मन में हो और आप बोलो उसको बोलते हैं यहाँ पे एड। तो मतलब जो आप कोई आपकी मन की बात किसी के साथ शेयर करते हो, आपकी ओपिनियन, यहाँ पे ओपिनियन का मतलब है बच्चों राय। क्या है यहाँ पे ओपिनियन का मतलब है? होता है राय, राइट? तो ओपिनियन का मतलब होता है राय। तो वो आप किसी आप अपने मन में हो, वो आप किसी को अगर कहते हो, आपकी राय बताते हो, लेकिन वो बहुत ही हार्ड, वो जैन नाम की जो लड़की है वो किसी को वो उसकी बात सुनाती भी नहीं है और उसकी राय भी नहीं लेती है। यू सैट एंड स्टार्टेड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। तो वो यू सैट, सैट का मतलब यहाँ पे बच्चों वो बैठी रहती है। वो क्या करती है? वो बैठी रहती है। एंड स्टैड, यहाँ पे बच्चों स्टैड का मतलब है घूरते रहना। स्टैड का मतलब क्या है? घूरते रहना। और वो साइलेंस, साइलेंस का मतलब है वो एकदम शांति से बैठी है और वो बैठ के सबको देखती रहती है, राइट? और चैटर, चैटर का मतलब यहाँ पे बच्चों चारों तरफ जो जब कोई बात करता होता है और वो सब जो बात करते होते वो अकेली बैठी सुनती रहती है और सबके सामने ऐसे देखती रहती है। नाउ टेल मी जैन एंड प्लीज़ बी प्लेइंग, इज़ देयर एनीथिंग द मैटर। तो यहाँ पे जो सब बच्चे है, टीचर्स है, वो बोलती है कि जैन क्या आपको कुछ हुआ है तो आप मुझे बताओ, एनीथिंग मैटर। तो यहाँ पे ये जो जैन लुक्ड अप एंड देन
शी स्पोक, हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है जो जैन है वो ऊपर की तरफ देखती है और वो फिर बोलती है। क्या बोलती है वो, कि उसका जो वॉइस है वो एकदम धीरा धीमे है, लो। लो का मतलब वो बहुत धीरे से बोलती है, और उसका वॉइस वो क्लियर बोलती है लेकिन धीरे से बोलती है। वो ऐसा बोलती है कि देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रैदर क्वाइट यू नो, कि क्या आप जानते हो कि ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो वो शांत रहते हैं, वो आप जानते होंगे। ओके, तो जो कुछ भी नहीं बोलते हैं वो शांत रहते हैं। ओके बच्चों, तो ये पोयम में आपको पता चला होगा, पोयम के ये जो पोयम पोएट है उसका नाम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, राइट। ओके, हम अभी उसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। ये तो हमने न्यू वर्ड्स, तो हमने बच्चों कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे, तो उसमें फर्स्ट न्यू वर्ड्स है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब है टॉकिंग इन अ ग्रुप, कि जब ग्रुप में किसी के साथ एक टॉपिक पर बात करते हो उसको बोलते हैं डिस्कशन। ओके, फिर है ऐड। ऐड का मतलब है मेक पब्लिक, जो मैंने आज आपको आगे सिखाया कि जो चीज़ आपके मन में हो और वो आप किसी को बताते हो, उसमें होता है वो ऐड। फिर है बच्चों बैडली। बैडली का मतलब क्या है, वो एक हार्डली का सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब वो हार्डली और बैड, वो दोनों का मीनिंग सेम है। तो वो बहुत ही मुश्किल, ओनली जस्ट, बहुत ही मुश्किल से वो बोलने का। फिर है स्टेयर। स्टेयर का मतलब है लुक फिक्स्ड विथ आईज विथ वाइड ओपन, कि जब आप किसी के सामने खुली आंखें करके सिर्फ ऐसे देखते ही रहते हैं, उसको स्टेयर, घूर के देखना जिसको हम बोलते हैं। और लास्ट में प्लेन। प्लेन का मतलब है क्लियर, राइट। तो वो आपको ये न्यू वर्ड्स बच्चों आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखने के हैं, और ये आपको जो क्लास डिस्कशन का मैंने ये जो स्टोरी सुनाई है, जो पोयम आपको सिखाया है, वो आपको एक बार रीड करना है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये सॉल्यूशन एक्सरसाइज समझाऊंगी। ओके बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।